सही कहा आपने, अग्रवाल वाद है। सो ऑब्वियसली शो का हमने देखा क्या है शो, और जो इसकी टैगलाइन है किस इश्क एंड कनेक्शन, तो जहाँ किस है इश्क है, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है कि वहाँ डेटिंग नहीं है, रिलेशनशिप है। तो ये थोड़ा इस पर थोड़ा आप कुछ ये समझाइए। तो ये कंफ्यूजन जो पूरी इंडिया को है कि हम डेट कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप में हैं, कपल्स के आपस के बीच में, आप वही चीज़ पूछ रहे हैं। एक बंदे को लगता है कि वो डेट कर रहा होता है, दूसरे बंदे को लगता है कि वो रिलेशनशिप में है। सो दिस शो विल गिव यू अ क्लैरिटी। पीपल, देयर आर पीपल इन द शो जो कई सालों से रिलेशनशिप में है, एंड वो ऐसी कभी कभी सेटिंग में नहीं आए हैं जहाँ पे उनकी रिलेशनशिप को टेस्ट किया गया है। दे बीन जस्ट सीक्रेटली हैविंग द रिलेशनशिप, किसी को पता नहीं है। पर रिलेशनशिप का तब ज़्यादा टेस्ट प्रूव होता है सही, जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होके उसको पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देन यू सी हाउ मच रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गर, हाउ मच वॉन्ट गो अहेड, और जो साथ में तुम्हारे जो पार्टनर है वो कितना हिम्मत वाला है या हिम्मत वाली है जो तुम्हारे साथ ये जर्नी को निभाएगा। एंड डेटिंग इज लाइक रिलेशनशिप की शुरुआत डेटिंग से होती है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे कपल्स हैं जो डेट कर रहे थे एंड इस शो के बाद शायद एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में चले गए हैं, या शायद ब्रेकअप भी हो गया होगा। मीटिंग देम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं पूछूंगी इनसे। अनदर क्वेश्चन, लुकिंग एट द कंटेस्टेंट्स, यू नो जो उनका नेचर है, इडियोसिंक्रेसी है, क्या ये कोई देखने में ऐसा लगता है कि ये शो में आने के बाद बागीपन इनमें आया या पहले से ही है? नहीं, ये पहले दिन से ही ऐसे क्रेजी क्रेजी किंकर्स थे, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस शो, बिकॉज कई बार अभी आप रियलिटी शोज में देखते हो पीपल आर क्वाइट फिल्टर्ड, वो बहुत सोच समझ के बातें करते हैं, वो बहुत सोच समझ के झगड़ा करते हैं या अपने दिल की बात रखते हैं, लोगों को प्लीज करने के लिए बोलते हैं कि नहीं अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा, मैं वैसे बोलूंगा तो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा। आई थिंक दिस शो ये सारे कंटेस्टेंट्स ने प्रूव किया है कि वो जैसे बाहर है ना, दे आर वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट देयर बिहेवियर, वैसे ही वो शो पे है, एंड आई होप दैट दे मेंटेन देयर ऑथेंटिसिटी। अब वो लोगों को पसंद आती है या लोगों को खराब लगती है, इट्स ऑन द पीपल। एक सवाल विभू जी से है, ऑब्वियसली लुकिंग एट द टीजर, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे टाइप के शोज इतने नहीं देख पाता हूँ, बट सच थोड़ा बहुत कुछ जो एग्जिस्टिंग शोज रहे हैं दूसरे चैनल्स के ऊपर, शायद स्प्लिट्स विला या, तो ये कहीं कहीं उनसे थोड़ा कुछ सिमिलैरिटी है या ये वाकई अतरंगी है? यहाँ पे सनी लियोनी तो नहीं दिख रही थी मुझे। नहीं, ये वाकई अतरंगी है, डिफरेंट है। मैं तो हमेशा, आप लोगों को पता है मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मैं हमेशा कुछ अलग ही करता हूँ। विभू जी, एज यू डू योर राइट, एज यू राइटली सेड कि